हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टूबी में। आज हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो 4 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए देखने को मिलेंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 45% की तेजी देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में देखें तो 5% की गिरावट, 3 महीने में 23%, 6 महीने के अंदर 5.5% और 1 साल में 51% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 70 पैसे के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर अब स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 80 पैसे के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 1 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें और स्टॉक में एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म से फंसे हुए हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बना के रखना चाहिए। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज निकल कर आती है तो इसे स्टॉक के निचले लेवल पर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।